और अब जो राजनाथ साहब महाराज वहाँ पर आए हैं, तो मैंने महाराज को बताया कि महाराज ऐसा ऐसा कुछ यात्रा लेके जा रहे हैं। तो महाराज ने कहा, मैं भी अब भी अयोध्या से आया, मैं भी था अयोध्या में। मैंने महाराज को पूछा कि महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए कि यात्रा हम संपूर्ण सफल कर सके। सो महाराज से माई प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स आर विद ऑल ऑफ यू। तो कई भक्त इसको हाथ में रखने लगा। I don't have a collar. I'm a humble man. Okay. Please don't misunderstand. हरे कृष्ण। ओके, तो कई भक्त विशेषकर जय प्रभु, मुकेश प्रभु, जो पूरा मैनेजमेंट पीछे अभी तक 3-4 महीने से उनका वो मेहनत कर रहे थे, प्रिय गोपेश प्रभु हमारे ब्रह्मचारी, उनके साथ वरुण रो पहले आए थे, तो बहुत सारे भक्त इसके लिए बहुत अथक प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, कृपया करके जो भी मैनेजमेंट के थ्रू आता है उसके लिए प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, जहां पर हम जिस तरह जा रहे हैं, जैसे चलना है, जैसे आगे बढ़ना है, आप जितना हमको मदद करोगे, आपको 500 लोगों के साथ, अभी हमारे पास 450 लोग हैं, हम लोग इन सबको लेकर एक साथ चलना, एक साथ सब दर्शन कर पाना, प्लान के साथ प्रसादिंग प्रसादम होना, चैंटिंग करना, ये सब करने के लिए आप देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और पीछे लंच का तैयारी शुरू हो चुका है, और उसमें हम में से ही कोई भक्त हैं जो सब सेवा कर रहे हैं, है ना। तो हम जितना प्लीज़ प्रयत्न कीजिए कि जो भी मैनेजमेंट की तरफ से रूम्स हुआ, आपको कुछ है सजेशंस, आपको कुछ कंप्लेंट्स हैं वो भी दीजिए, लेकिन प्रयत्न कीजिए कि किसी की कोई इच्छा नहीं है कि आपको कोई दुख दे या आपको कुछ गलत इसमें रखें। सबकी इच्छा है कि सबको जितना अच्छा हो सके वो एक्सपीरियंस प्राप्त हो, यहाँ पर आके अनुभव प्राप्त हो यात्रा का। तो हम यहाँ पर अभी काशी में हैं, हम यहाँ पर क्यों हैं ये भी प्रश्न मुझे पूछा गया, पूछो हम काशी क्यों जा रहे हैं, काशी क्या वैष्णवों की जगह है? हाँ, काशी वैष्णवों की ही जगह है। हाँ, ओके, ऐसे करने से शुरू होता है ऐसे करते। तो ये काशी वैष्णवों की ही जगह है, हम कोई अलग स्थान पर नहीं आए। यहाँ पर बहुत प्राचीन एक बिंदु माधव मंदिर है, जो काशी का मंदिर माना जाता है, जिसको विशेष यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रोज जाते थे, कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, और कई आचार्य यहाँ से होके आए हैं। हर संप्रदाय के आचार्य यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने अपना भजन किया है, और विशेषकर शिवजी के स्थान के लिए मशहूर हुए हैं। और शिवजी वैष्णवानाम यथा शंभू हैं, वैष्णवों में टॉप मोस्ट स्वयं शिवजी हैं, भगवान शिव वैष्णव सबसे महान वैष्णव हैं। लेकिन समय और काल में इस तरह से काशी इतना कुछ बदलता है इस काशी शहर में, क्योंकि आप में से कितने मार्क ट्वेन का नाम सुना है? मार्क ट्वेन, राइट, सैमुअल समथिंग क्लीमेंस, सैमुअल क्लीमेंस उनका असली नाम था, उनका पेन नेम था मार्क ट्वेन। तो वो कहते हैं दिस सिटी इज ओल्डर देन द स्टोरीज अबाउट इट। ये जो शहर है काशी, इसके बारे में जितनी कथाएं आपने सुनेंगे उन कथाओं से कई कई करोड़ों साल पुराना ये काशी है। और एक समय था यहाँ पे 72,000 मंदिर थे काशी में, और काशी का हिस्ट्री यहाँ पर, ठीक है मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था। कैन यू स्विच ऑन समथिंग हियर, फैन चल सकते इधर साइड। सो मार्क ट्वेन वो कहते हैं दिस गाइस सिर्फ ना कुछ है नहीं, इधर कंसेप्ट नहीं, शायद एसी है पर बटन्स नहीं, खोल के देख, स्विच वहां पे है, खोल के देख लो। उसमें डाल के देखो, हाँ, और दूर से बटन चालू करो उसको, अब उसको खोलो, फ्लैप फ्लैप, हाँ चालू हो गया, वाह, हरिभद्रान ब्रो,
निकाई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ऐसा बलभद्रान रूप कर हस्त स्पर्श इज लाइक एसी कूल। ओके, तो मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन द लीजेंड्स एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, दैट इज काशी, दैट इज वाराणसी। सो ये काशी इसका नाम है, वाराणसी भी इसका नाम है, वाराणसी स्टेशन भी आपने आए हैं, आपने वाराणसी का टिकट बुक किया था, फ्लाइट का टिकट भी वाराणसी से होता है। तो अगर आप सिटी पैलेस होटल, हमारे सामने वाला जो सिटी रिवर पैलेस, तो उसको रिवर पैलेस नाम क्यों है, अगर आप खिड़की से पीछे देखोगे तो वहाँ पर एक रिवर है, है ना, वो वरुणा नदी है ना, और गंगा जो है उस पर 80 घाट हैं, एक 80 घाट है और 80 घाट हैं, ऐसा भी है। तो वरुणा और 80 को मिला के वाराणसी बना, है ना। वैसे ही दुर्गा जी जब असुरों से लड़ रही थी तो उनका जो 80 जो उनका जो तलवार था जो 80 घाट, हाँ, वो यहाँ पर गिरा था, इसके भी 80 नाम हैं। तो वैसे ये वाराणसी है, और यहाँ पर बहुत पास सारनाथ हैं। कुछ भक्त मुझे बोले ऐसे कि पूरी सारनाथ जाएंगे, कि शायद हमारे पास समय नहीं होगा सारनाथ जाने के लिए, लेकिन स्वयं बुद्ध ही हैड चोजन दिस नियर बाय लोकेशन टू डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन। एक चाइनीज ट्रैवलर यहाँ से होके गए थे, जुआंग जैंग, दिस वॉज 635 CE, राइट। तो दिस गाय राइट्स, ही नोटिस्ड इट्स एक्सपांस एंड ग्रैंड्योर अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ गैंजेस, गंगा तट पे शहर देख के जो चाइनीज ट्रैवलर था, ही हैज रिटन सो मेनी लेसन्स ऑन इट। सो वाराणसी लेगेसीज, यहाँ पर कौन कौन हुए, कबीर दास आपने नाम सुना होगा, रविदास, गुरु नानक देव, है ना। उसके बाद 1194 में द मुस्लिम इन्वेजन हैपन्ड, और उसके बाद देन बिगेन अ टर्बुलेंट चैप्टर, लेकिन फिर भी ये शहर कभी खत्म नहीं हुआ, ये जो काशी है इसका जो स्पिरिट है। उसके बाद रिवाइवल कब हुआ, मराठास के कारण रिवाइवल हुआ, जब मराठास यहाँ तक आए। आप देखिए, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने बनवाया था वापस। और 18th century ब्रिटिश कॉलोनियल एज, जब ब्रिटिशर्स का राज था, उससे भी काशी का एक महत्व था, इतना था कि काशी एक प्रोविंस था। वैसे श्रीमद् भागवतम में कई बार काशी का नाम आता है, काशी शहर का, काशी राज कौन थे काशी राज, चले कुछ क्विज करते हैं, काशी राज कौन थे जो आए थे मथुरा, आते थे बार बार, जरासंध मगध के थे। आपको देखिएगा, काशीराज का नाम आता है, पौंडरक को लेकर उसकी कथा की चर्चा करेंगे हम लोग, वहाँ पे काशीराज का चर्चा आता है। और काशीराज का चर्चा आता है कि इसने कहा था कि पौंडरक वासुदेव का वध कृष्ण ने कर दिया, मैं और अपने जाके अपने सब मंत्रियों को और प्रजा को बोला, मैं कृष्ण का सर लेके आऊँगा काट के। और कृष्ण ने केवल एक तीर के द्वारा क्या किया, उस काशीराज का सर, काशीराज का नाम था दवीदास, ऐसा कुछ तो नाम था, शरीफा नॉट देवी, दवीदास ऐसा कुछ तो नाम आता है। तो उसका सर जो कलम किया भगवान ने, कृष्ण ने, वो जाके सर सीधा जाके काशी शहर के अंदर गिरा, और सब लोग सोच रहे, अरे हमारा राजा देखो इसने क्या कर दिया, कृष्ण का सर काट दिया। और जब देखा, अरे ये तो अपने ही राजा का सर है। फिर भी क्या है, ब्रिटिशर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ दिस प्लेस, और इतने सारे लोग यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर आके बसे हैं, और उन्होंने इतना सारा इंडिया के कल्चर के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। मेरे कॉलेज में दो दोस्त थे मेरे क्लास में, वो बोलते थे हम बनारस से हैं, और हम चिढ़ाते उनको, बनारस बनारस वाली जगह है ना, तो नहीं बनारस नहीं है, ये बनारस नाम कहाँ से आया, क्योंकि फिर से अंग्रेज वाराणसी बोल नहीं पाते थे, इसलिए उनको उसने बनारस कर दिया, बनारस। तो पहले नाम काशी था, फिर वाराणसी, फिर बनारस भी हुआ। विशेषकर इस शहर के साथ और भगवान शिव जी का एक बहुत बड़ा ऐसा स्ट्रांग कनेक्शन है,
इस कनेक्शन का भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। वैसे तीन से दे से दैट इफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इज डन यू विल फाइंड एटलीस्ट 3 to 5 लेयर्स ऑफ सिटी बिलो, गंगा के तट के नीचे। इस शहर इतना 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 पुराना है। विशेषकर यहाँ का एक मणिकर्णिका का घाट है, वो क्यों मशहूर है, क्योंकि पार्वती के एक बार कुछ आभूषण मणि यहाँ पर गिरे थे, तो शिवजी ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की थी कि कृपया करके आप यू नो ढूंढ के दीजिए। तो हाँ, तो कर्णिका का मणि, ठीक है, तो वो ढूंढने के लिए विष्णु जी जब नीचे गए तो उनके पसीने से जो कुंड बना था वो मणिकर्णिका कुंड है। अभी वो कुंड गंगा के अंदर चल, पहले वो कुंड पहले था, गंगा जी बाद में आई। जब गंगा जी बाद में आई तो वो कुंड गंगा के अंदर है। पर ये मणिकर्णिका घाट विशेषकर मशहूर क्यों है, ये मणिकर्णिका घाट मशहूर है, यहाँ पर डेड बॉडीज जलाई जाती है ना, ऑल द टाइम एवरी टाइम समबडी यहाँ पर आके जलाया जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि काशी में अगर कोई देह छोड़ता है तो क्या होगा, भगवान शिव आकर उनके कानों में कर्ण में क्या करेंगे, राम का तारक मंत्र देंगे। जब राम भगवान राम का मंत्र सुनेंगे, नाम सुनेंगे, तो उनका मुक्ति हो जाएगा। पर उपनिषदों में ऐसे आता है कि देखिए, अगर कोई पाप करता है तो उसके लिए यमदंड है, यमराज है और यमदंड होता है। पर काशी में क्या होता है एक अलग है, यहाँ पे शिवजी क्षेत्रपाल हैं, शिवजी यहाँ पे, तो यहाँ पर एक क्षेत्रपाल शिवजी हैं, भगवान विष्णु का स्थान है, बिंदु माधव का स्थान है, हम उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि एक ऋषि थे उनका नाम बिंदु अग्नि बिंदु नाम था, उनके नाम क्यों, उनके नाम पर ये बिंदु माधव, हमने राधा माधव सुना है ना, वैसे बिंदु माधव मंदिर, ये बिंदु का मतलब क्या है, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। लेकिन मैं कह रहा था जैसे क्षेत्रपाल शिवजी हैं, पर फिर भी यमराज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आकर भी कोई गलती अगर करता है, यात्रा में आए, अपराध किया, पाप किया, कुछ हुआ हमसे, तो यहाँ पर एक अलग, तो क्षेत्रपाल है, कोतवाल भी हैं, यहाँ के कोतवाल काल भैरव हैं, है ना, अगर पनिशमेंट देना पड़ेगा, यहाँ पर कोई कहे कि बस अब मुझे यहाँ पर आना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, शिवजी का कानों में भगवान राम का मंत्र देंगे, राम का नाम सुनाएंगे, पर अगर कुछ गलती की तो यमराज के पास नहीं जाएंगे, काल भैरव को रखा गया है उसके लिए। तो हजारों, एक राम तापणी उपनिषद में ऐसा आता है कि हजारों मनमंत्रों तक काशी में रहकर शिवजी ने राम तारक मंत्र का जप किया था, होम अर्चना तर्पण किया था, इसलिए कहा जाता है कि काशी के कण कण में राम व्याप्त है। क्यों है, क्योंकि शिवजी ने स्वयं भगवान राम का ध्यान किया था यहाँ पर। तो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है वैसे तो, और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जिन्होंने रचा था, वो वैसे रचा कहा जाता है अयोध्या में है, यहाँ पर भी है, उसकी भी हम हिस्ट्री देखेंगे एक सेशन में, कि रामचरितमानस का, और आप अगर मणिकर्णिका घाट जाए, मणिकर्णिका घाट हनुमान टेम्पल इज वेयर, अस्सी घाट पे है, अस्सी घाट पे संकट मोचन हनुमान है, वहाँ पर तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस ऑफर किया था। तो तो जब शिवजी ने इतनी प्रार्थना की थी भगवान राम की, तो जब भगवान राम ने दर्शन दिए तो भगवान राम ने कहा आपको जो भी अभीष्ट हो आप मांग सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है आप मांग सकते हो। तो आप समझ सकते हैं भगवान शंकर जी क्या मांग सकते हैं, उन्होंने ये नहीं मांगा मारुति प्लीज गिव वन मारुति, मारुति की आप है तो आप मारुति कैन गिव मारुति, राम कैन गिव मर्सिडीज बेंज एटलीस्ट, ऐसा नहीं था। भगवान राम ने, भगवान शिव जी ने क्या मांगा मणिकर्णिका घाट पे, उन्होंने कहा था मणिकर्णिका में किसी की मृत्यु हो जाए या गंगा के तट पर किसी की मृत्यु हो जाए, गंगा के जल में भी किसी की मृत्यु हो जाए, घाट पे हो, गंगा में हो, गंगा के जल में हो, तट पे हो, तो उसको मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, ये आशीर्वाद हमें दे दीजिए।
ये शिव जी ने प्रार्थना की थी भगवान राम से। तो भगवान राम ने क्या कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि जब इतना करुणा है किसी के हृदय में, ये शिव जी के हृदय में ही हो सकता है ये करुणा, कि भगवान राम जब कह रहे आपका अभीष्ट मांगो तो कह रहे सबकी मुक्ति हो जाए जो भी यहाँ पर रहे। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा आपने जो कहा वो जरूर होगा, मणिकर्णिका घाट हो या गंगा हो, गंगा जी का तट हो, पर मैं आपके आशीर्वाद को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। यू आर आस्किंग फॉर वन, आई विल गिव यू 100, है ना। तो शिव जी का एक कृपा करने का इच्छा था, भगवान राम ने कहा उसको कहते हैं क्षेत्रे त्रातव देशे च यत्र कुत्रापि वामृतः कृमि कृतयोप्यासु मुक्ता सन्न तु जन मुक्ता संतु जन्न चान्यथा। उसे सबको मुक्ति प्राप्त होगी, कहाँ पर, केवल मणिकर्णिका घाट नहीं, केवल गंगा नहीं, केवल गंगा का जल नहीं, उसे काशी में, काशी में सबको मुक्ति प्राप्त होगी, है ना। क्षेत्रे त्रातव देशे च, इस क्षेत्र में जो भी, इसलिए यहाँ पर बहुत भारत में प्रचलित है कि समय आने पर 25 साल के का ब्रह्मचर्य व्रत, 25 साल का गृहस्थ व्रत और उसके बाद 25 साल वानप्रस्थ, है ना। उस वानप्रस्थ के समय तीर्थ त्राटन कर, तीर्थ भ्रमण करने के बाद लोग काशी में आके देह छोड़ते थे। काशी में देह छोड़ना मतलब, वैसे जीवन में आप देखिए जिसका उपनयन संस्कार होता है बच्चों का, आप देखेंगे उपनयन संस्कार में एक विधि होती है कि बच्चा क्या करता है, मैं काशी जा रहा हूँ, है ना, तभी से शुरू हो जाता है काशी जाने के लिए। आज भी अगर उपनयन संस्कार होगा किसी का तो काशी जाने की बात होती है, पर काशी जाना चाहिए, है ना। जैसे आप देखिए हम अक्सर कहते हैं ना प्रभुपाद लेक्चर्स में कहते हैं कि 45, 46, 47, 48, 49, 50 हो गया, 50, 25, 25 ब्रह्मचारी गृहस्थ हो गए, 50 के बाद क्या आ गया, 51, 52, 53, 55, 54, 55, 56, ऐसा कुछ तो 111, 57, 58, अभी तक भी अगर नहीं निकला, छूटा नहीं, तो 60 सठिया गया, 59, है ना, 60 सठिया, 61, 62, 63, 64, 65, 66, पर अगर किसी ने ये 15, 17, 18 वर्ष भजन किया गृहस्थ जीवन के बाद, फिर से एक बार, फिर क्या आता है, 69, अभी तर गया, है ना। गणित के अंकों में इस तरह देखिए, वन है, नहीं तो सटिया गया, नहीं तो तर गया, है ना। तो भगवान राम ने क्या कहा कि आप शिव जी जिसके भी कान में आप ये मंत्र दोगे, और काशी में जिसका मृत्यु हो रहा है और उसके कानों में आप ये मंत्र दोगे, क्या होगा, उन सबका उद्धार हो जाएगा। लेकिन फिर से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। भगवान राम ने क्या कहा, तो एक्सैक्ट वर्ष है कि मरने वाले के दक्षिण कर्ण में, वो राम नाम सुनाएंगे, पर शास्त्र कहते हैं रीति ज्ञानान्न मुक्ति, अगर जब तक ज्ञान अर्जित नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन उपनिषद वही कहते हैं काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में केवल मरण से मुक्ति है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति कैसी होगी, हाउ विल यू अटेन लिबरेशन विदाउट नॉलेज, ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं हो सकती। और वही शास्त्र कह रहे हैं काशी में केवल मरने से मृत्यु, मृत्यु से केवल मुक्ति हो सकती है। तो इसको साधुगण कहते हैं कि जब गुरु के वचनों को कोई सुनता है तो क्या होगा, गुरु के वचनों के सुनने से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अब शिवजी जैसे वैष्णव अगर कान में आकर भगवान का नाम बोलेंगे तो सारा ज्ञान तो ऐसे ही आ जाएगा, है ना। सो महापुरुष के उपदेश का इतना सामर्थ्य होता है ना, कि उसमें किसी भी पतित व्यक्ति के भी हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तो केवल काशी में आए, साधन भजन किया, मृत्यु के समय बचे रहे, और कान में शिवजी के द्वारा अगर मंत्र सुन लिया, भगवान राम का मंत्र, क्या होगा, वो उसका कर्म राशि का क्षय हो जाएगा। पर ये सुविधा कहाँ है, ये सुविधा केवल काशी में ही है, हाँ, क्योंकि यही शिवजी उपदेश करते हैं शास्त्रों के अनुसार। अब इस स्टोरी में ट्विस्ट क्या हुआ, है ना,
भगवान राम ने कहा शिव जी को कि आपका ये सदा व्रत होना चाहिए। बहुत मशहूर है ये वर्ड इसके लिए कि शिव जी का सदा व्रत है कि काशी में जो भी मृत्यु प्राप्त करेगा उसके कर्णों में कानों में मैं भगवान राम का मंत्र बोलूंगा। तो भगवान राम ने बोला पर शिव जी आपको उसके लिए सदा काशी में रहना पड़ेगा, लेकिन शिव जी तो एक जगह टिकते नहीं है ना, कभी आपको दिखेगा फोटो में कहीं तो हिमालय में है, कभी तो नंदी के ऊपर है, कभी शमशान में है, कभी एक जगह रुकते नहीं। तो आपका सदा वास काशी में रहना चाहिए, पर आप तो घुमक्कड़ महात्मा हो, आप तो घूमते रहते हो, तो ये सदा व्रत कैसा कैसा बचेगा, फिर मुक्ति कैसे होगी लोगों की। तो कहते शिव जी ने भगवान राम को प्रण किया है कि मैं काशी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं आप कह रहे हो तो मैं काशी छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर शिव जी ने एक शर्त रख दी। अब शर्त क्या रखी उन्होंने, शर्त रखी कि भगवान आपको भी काशी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, मैं यहां रहूंगा तो आपको भी यहां रहना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा कि मैं इसी काशी क्षेत्र में हमेशा वास करूंगा। कैसे करूंगा, तो तात्काल शिव जी के सामने भगवान राम एक शिवलिंग में परिवर्तित हुए, है ना। आप में से जो भी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, आपने शिव जी के दर्शन किए, आप में से कितने लोगों ने अभी मुक्तेश्वर शिवलिंग का दर्शन किया। आप जब मंदिर में जाते हो, आई डोंट नो नाउ, बहुत सारे चेंजेस कर दिए मोदी जी ने, मैं अभी तक गया नहीं उसके बाद, पर आपके राइट या लेफ्ट में एंट्रेंस के वक्त देखिए वहाँ पे एक अभी मुक्तेश्वर शिव जी का लिंग, ये है शिवलिंग है, ये भगवान राम स्वयं है। तो भगवान राम के दर्शन किए बगैर हम शिव जी के दर्शन नहीं करते, या काशी की यात्रा पूरी नहीं होती। अभी कल जो जो गए थे उनमें से कितनों ने दर्शन किया, वेरी गुड इफ यू हैव डन दैट। तो सो अभिमुक्तेश्वर महादेव का दर्शन पहले करना चाहिए। तो लेकिन लोग प्राय काशी आते हैं लेकिन बहुतों को इसकी बात की पता नहीं होती। तो काशी की पंचकोशी परिक्रमा बहुत मशहूर है। ये पंचकोशी वृंदावन में भी होती है, अयोध्या में भी होती है, मथुरा में भी है, फिर पर काशी की जो पंचकोशी परिक्रमा होती है इस साल में एक दो बार, हम तो शायद कुछ स्थानों पे जाएंगे और वापस जाएंगे, लेकिन ये जो पंचकोशी परिक्रमा है काशी की, ये 4 से 5 दिन तक चलती है, लाखों लाखों लोग आते हैं उसमें, पूरे काशी की प्रदक्षिणा होती है। काशी प्रदक्षिणा येण कृतार्थ त्रैलोक्य पावनी सप्तद्वीप सप्त शैल कृतार्थे न प्रदक्षिण। जो ये पृथ्वी है जिसमें 7 द्वीप और 7 शैल 7 द्वीप हैं, तो काशी खंड का अध्याय 45वें अध्याय में आता है कि चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को ये काशी की पंचकोशी परिक्रमा करते हैं सब लोग। तो जो भी ये काशी की प्रदक्षिणा करते हैं उसमें कहा जाता है कि ये 7 द्वीप और 7 समुद्रों वाली जो पृथ्वी है उसका सबका प्रदक्षिणा हो गया, मतलब उसमें जितने तीर्थ स्थान हैं इस पृथ्वी के ऊपर उस सब तीर्थों का आपने तीर्थाटन कर लिया है। तो यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम। कैवल्य मुक्ति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, लेकिन शिवजी की कृपा से यहां पर वो मुक्ति बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैर अपि। अभी काशी का महात्म्य देखिए, शिवजी मुक्ति आराम से प्रदान कर देते हैं, फिर यहां पर गंगा है, गंगा के लिए कहा जाता है गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैर सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर भी अगर कोई बोले गंगा गंगे, बोलते मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। क्या होगा, सारे पाप से मुक्त होकर विष्णुलोक जाएगा केवल गंगा को इस प्रकार आवाहन करने से। तो स्वयं जो द्रवीभूत ब्रह्म है वो गंगा यहाँ पर है, त्रिभुवन पावनी उसका नाम है, शिवजी स्वयं यहाँ पर हैं,
और उसके ऊपर काशी, काश्याम मरण मुक्ति, मरणान मुक्ति ही, काशी में केवल मरने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि सब जगह शमशान होते हैं, शमशान तो हर शहर में होने चाहिए क्योंकि मृत्यु तो सब जगह है, कोई कह नहीं सकता कि मृत्यु होगा नहीं। पर यहाँ के जो शमशान घाट है काशी में, इसको महाशमशान कहा जाता है। ये सादा शमशान भूमि नहीं होती, ये महाशमशान है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, सामान्य शमशान में केवल शरीर जलता है ना, शरीर जल गया सब अपने अपने घर वापस जाएंगे। पर काशी में क्या होता है, काशी में जब दाह संस्कार किया जाता है तो तीन प्रकार के शरीर संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। कौन से तीन प्रकार के शरीर हैं हमारे? एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। क्या भेद होता है इसमें? एक स्थूल शरीर जिसको जो जलता है, जो सब कोई देखता है, एक सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, जो अगले शरीर में लेके जाने वाला था वो भी समाप्त होगा। फिर कुछ कारण शरीर है, देयर ऑलरेडी द कर्म, संचित कर्म जिसमें है, वो संचित कर्म लेकर सूक्ष्म शरीर लेकर अगले शरीर में जाना था। तो सामान्य शमशान भूमि में केवल स्थूल शरीर जलता है, खत्म होता है, लेकिन यहाँ महाशमशान क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि तीनों शरीर यहाँ पर समाप्त होते हैं, और इसलिए काशी को असली मोक्ष स्थान है, ये मुक्ति का स्थान कहा जाता है। तो शंकर जी स्वयं हैं, गंगा के तट हैं, काशी नगर में हैं हम लोग, और यहाँ पर शिवजी के कर्ण में, शिवजी कर्ण में क्या कहेंगे? राम मंत्र कहेंगे। तो राम तापणी उपनिषद में शिवजी आखिरी में कहते हैं, पूरा अध्याय जब समाप्त होता है, शिवजी कहते हैं ये कि असली चीज क्या है? ये राम तारक मंत्र है। मतलब गंगा भी है आपके पास, शिवजी भी हैं, काशी भी है, लेकिन शिवजी को कान में फिर भी राम मंत्र बोलना पड़ेगा, तब जाके काशी में मुक्ति प्राप्त होगा। तो शिवजी स्वयं वहां पर कहते हैं कि भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब इस महामंत्र का जप कर रहे हैं, हम जहां पर भी बैठे हैं, जैसे भगवान, अगर भगवान शिव अगर कान में मंत्र बोले तो वो भी हमको सुनना है उस समय, है ना। भगवान शिव अगर आकर बोलते हैं, वैसे ही हर रोज हम जब भगवान का नाम जप कर रहे हैं उसको भी सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल ये भगवान का नाम क्या है हमको मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो हमारे विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय में तो वैसे तो हम मुक्ति केवल नहीं चाहते, श्री प्रभुपाद कहते थे अगर कोई बीमार व्यक्ति है, हॉस्पिटल में है, तो उसको भी मुक्ति की इच्छा होती है, मुझे मुक्त कर दो, इस हॉस्पिटल से मुझे निकाल दो, मुझे बाहर निकालो। पर हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद भी कुछ कार्य होंगे अच्छे, when you regained your health, what will be the activities, आप कौन से कार्य करोगे? तो केवल मुक्ति प्राप्त करना ये हमारा ध्येय नहीं है, है ना। पर मुक्त होने के बाद के जो कार्य हैं, भक्ति, मुक्ति के परे भक्ति है, है ना। तो अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करने से मुक्ति, और उसके बाद मुक्ति के बाद हमारे असली आध्यात्मिक शरीर में भगवान के लिए फिर से भक्ति करनी है। तो काशी हमारे गौड़ीय संप्रदाय में काशी का बहुत महत्व है, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बहुत समय रहे हैं। और विशेषकर एक जगह, एक स्थान है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है, हम वहाँ नहीं जाएंगे बोलना ठीक नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते, ये बोलना सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि वहाँ पे जाना इतना कठिन है, और अब इतने सारे लोग वहाँ पहुँच भी गए तो लोकल लोग हम जीवन हराम कर देंगे। मैं 2007 में यहाँ पर प्रीचिंग के लिए आता था IIT BHU में, जो वॉइस था, जो कल हमने, जो पहले कल पहले दिन आए थे, उन्होंने जो प्रसाद खाया था वो उस स्टूडेंट सेंटर से आया था। तो 2007 में हमने वो शुरू किया था, तो एक बार कृष्णानंद प्रभु पहुंच गए बिना बताए मैं कुछ तो था कि बहुत लोगों को समझा नहीं शायद, ठीक है, पहुंच गए और वो मुझको उठाकर लेके गए, बोलो चलो तुम प्रचार कर रहे हो, तुमको एक स्पेशल जगह लेके जाता हूँ जहाँ तुमको आशीर्वाद मिलना चाहिए, चलिए आप चलिए लेकर चलते। तो एक जगह है
वो एड्रेस आप शायद ऑटो वाले को बोलोगे तो भी आपको लेके नहीं जा सकता, लेकिन कृष्णानंदपुर जैसे लोग पहुंचते हैं ऐसी जगह, ठीक है। तो उस जगह का नाम है दूध कटरा, अभी इस वक्त उसका नाम है दूध कटरा। वहां पर अगर जाएंगे तो केवल ऐसा एक ऐसा दीवार है, उस दीवार के ऊपर फोटो है, किसी ने तो पेंट किया है उसके ऊपर, दीवार के एक्चुअल दीवार है और उसके ऊपर पेंटिंग है। उस पेंटिंग में दिखाते हैं किस प्रकार 60 प्रकाश आनंद सरस्वती और उनके 60,000 सन्यासी शिष्यों ने यहाँ के काशी के प्रकाश आनंद सरस्वती उस जमाने के दी मठाधिपति थे, वो और उनके 60,000 सन्यासी शिष्यों ने सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण लिया था। तो वो जगह दूध कटरा कह के है। आप अकेले भी जाने का प्रयत्न करोगे तो मैं बता रहा हूँ आप नहीं पहुँच सकते, ऑटो वाले को भी नहीं पता होगा वो जगह ऐसी कोई जगह है। पर वहाँ पर हम सब तो नहीं जा सकते, अकेले भी जाने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि जब मैं पहुँच गया वहाँ पर मुझे लगा वापस कैसे निकला जाता है यहाँ से आगे, क्योंकि काशी की 5 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, बनारस की 5 चीज़ें मशहूर हैं। बनारस की साड़ी मशहूर है, तो तीसरे दिन यहाँ से परचेसिंग का टाइम दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कहाँ जाइए, है ना। आधे सर यहाँ के नीचे हो गए, बोले प्रभु जी ये कोई एडवर्टीजमेंट ही हो गई, क्यों नुकसान करा दिया, ठीक है। तो बनारस की साड़ी मशहूर है ना, बनारस की गलियाँ मशहूर हैं, यहाँ की गलियाँ ऐसी हैं आपको लगेगा इसमें से आदमी नहीं जा सकता, वहाँ ट्रक भी जाएगा, वो निकालेंगे, वो अपने रिक्शा निकालेंगे, वो अपनी गाड़ियाँ निकालेंगे। तो बनारस की गलियाँ मशहूर हैं, बनारस का पान बहुत मशहूर है ना, और कुछ मत बोलिए प्लीज़, और कुछ सोचिए भी मत प्लीज़, है ना। और किसी को याद आ रहा है बनारस की 5 चीज़ें मशहूर हैं, नहीं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में, बनारस के घाट बहुत मशहूर हैं, है ना। और एक आखिरी चीज़ है, बनारस के ठग बड़े मशहूर हैं। अगर आप में से किसी को लग रहा है मैं दृढ़ शाहणा है, अड़ित शाहणा बनता तो मराठी में उसको बोलते मैं ज़्यादा होशियार हूँ, इधर पे मत करना, इधर बड़े बड़े लोग हैं, है ना। यहाँ वाले और आप इनके साथ डील करोगे तो भी आपको समझेगा नहीं ये किधर शुरू करते हैं किधर ख़त्म करते हैं, क्या बात हुई और आखिरी में आपका ही नुकसान है, यू नेवर विन हियर। छोटे बच्चे से भी मत करना, बड़ों से भी मत करना, लोकल है ना, हमारे नटवर गौरांग को कुछ एक्सपीरियंस हो गया कल, नुकसान नहीं हुआ लेकिन समझ गए तो कुछ था, ये कुछ अलग था, ये सामान्य नहीं था, है ना। इतना कहा जाता है कि अगर काशी में रह लिया ना आप कहीं भी रह सकते हो, है ना। इसे प्रभुपाद कलकत्ता के लिए भी कहते थे, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, कि आई एम अ कलकत्ता बॉय, प्रभुपाद कहते मैं कलकत्ता वाला हूँ, मुझको कोई ठग नहीं सकता, है ना। तो भगवान राम, स्वयं भगवान राम इस शहर में आए हैं, वैसे रामायण के अनुसार रामोचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, शंकराचार्य, हाँ उनके कारण भी बहुत ज़्यादा शिव जी के लिए मान्यता और फिर मायावाद का प्रचार यहाँ से हुआ बहुत ज़्यादा। हमारे संप्रदाय के अनुसार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, यहाँ पे सनातन शिक्षा यहाँ पर हुआ, रूप शिक्षा प्रयागराज में जहाँ हम जाने वाले हैं ऑन मंडे और ट्यूजडे, वन ऑफ द डेज वी आर प्लानिंग टू गो टू प्रयाग। हम यहाँ से बसेस करके जाएंगे, अपने पूर्वजों के लिए कृपया करके नटवर गौरांग प्रभु को अपने नाम दे दीजिए। यू कैन स्टैंड अप इन केस समबडी डज नॉट नो यू, आई डाउट। अगर आप नहीं, एक बार खड़े तो रही, प्लीज खड़े तो रही, प्लीज आप खड़े तो रही, उनको देखिए ना तरफ। और अगर आपको लग रहा है ये व्यक्ति को आप पहचान नहीं पा रहे तो गूगल में केवल निरंजन पेंडारकर डाल के देखिए, आपका जीवन खत्म हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, उससे ज़्यादा वेबसाइट्स इनके ऊपर हैं ऑनलाइन अभी। I'm serious about that, ठीक है, ओके। तो कृपया करके उनको नाम दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि वहाँ पे तर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल जगह। अगर कभी आप कुंभ मेला में वहाँ पे नहीं पहुँच पाए जब, और करने के अभी हम आए हैं यहाँ पर, तो आप कर सकते हो। अगर आप नाम दोगे तो हम उतने पंडा या पुजारी वहाँ पे अरेंज करेंगे जो ऑथराइज तरीके से आपके लिए तर्पण का पूजा करा देंगे। तो आप केवल नाम, चलते फिरते कभी भी दीजिए। 3 दिन यहाँ से हैं हमारे पास वहाँ जाने के लिए। आज हम लोग अभी गौरिल्ला प्रभु को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एड्रेस करेंगे सबको।
उसके बाद हम यहाँ पे प्रसाद लेंगे। प्रसाद का अरेंजमेंट होगा कि माताजी और वयोवृद्ध जो हैं, एल्डरली लोग जो हैं, वो ऊपर प्रसाद लेंगे। ऊपर मतलब यहाँ ऊपर के हॉल्स में, ठीक है। प्रभु जी नीचे आएंगे, बच्चे भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है, वो भी नीचे आ सकते हैं। पर ये अरेंजमेंट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो थोड़ा शायद हम अलग अलग टाइम पर पहुँचे, क्योंकि लंच भी हम लोग एक साथ क्राउड करेंगे, और लंच समाप्त होने के बाद हम लोग बसेस में बैठेंगे, और फिर हम बोट राइड में, गंगा में बोट राइड लेने वाले हैं आज। गंगा स्नान करेंगे हम लोग, और आज गंगा आरती का दर्शन करेंगे। गंगा स्नान बोट में से कूद कर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर डॉल्फिन्स हैं, बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स हैं। वाराणसी काशी में जब से गंगा की सफाई की है मोदी जी ने, वापस डॉल्फिन्स आ गए, जो पहले दिखते नहीं थे, बट यू कैन सी डॉल्फिन्स हियर। किसी ने ताली दी, ये समझा नहीं, अच्छा हो गया बता दिया, आप तो पक्का कूदेंगे डॉल्फिन के साथ। ओके, ठीक है। तो आज केवल गंगा स्नान और गंगा आरती का दर्शन करेंगे हम लोग। कल फिर से हम बोट्स में बैठेंगे, लेकिन कल हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम काशी विश्वनाथ का, भगवान शिव जी का दर्शन करेंगे, है ना। अभिमुक्तेश्वर महादेव का फिर से याद रखिए, कल चांस नहीं मिलेगा, हम पहले उनका दर्शन करके फिर जाके काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। पर हमारी ये जो यात्रा है, ये हर जगह बहुत भीड़ है इस वक्त, क्योंकि हमने जो समय चुना है, हमको भी लॉन्ग वीकेंड चाहिए, और पूरे इंडिया में लॉन्ग वीकेंड का कंसेप्ट पहुँच चुका है अभी तक, जहाँ टाइम मिल गया सबके से बाहर निकल जाते हैं आजकल, तो बहुत भीड़ है यहाँ पर भी और अयोध्या में भी। प्रयागराज में इतना नहीं होगा, लेकिन अयोध्या में भी बहुत भीड़ है। इसी कारण हम अयोध्या में कम समय रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ की भीड़ इतनी है कि उस भीड़ में कुछ भी करना, और यहाँ पे न काशी विश्वनाथ में आप मोबाइल लेके जा सकते हो, न अयोध्या में मंदिर में मोबाइल अलाउड है। तो एक बार आपने मोबाइल रूम में छोड़ दिया, तो उसके बाद केवल आपके पास, पर हम शहर के अंदर हैं तो कहीं पर भी ऑटो लेकर पहुँच सकते हो आप वापस होटल्स में, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, उस क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए हमारा ही क्राउड बहुत बड़ा है। आज वैसे ही भक्त लोग लाइन में जाके लगे हैं, हम सबके लिए टिकट ले रहे हैं वो लोग, कि हम लोग विशेष दर्शन, सुगम दर्शन कहते हैं यहाँ पर उसको, अयोध्या में सुगम दर्शन भी नहीं है अभी तक। इधर यू हैव टू कम थ्रू सम MP, उसके बाद दर्शन आसानी से होते, फिर भी 350 को नहीं मिलने वाला है। तो हमने जो प्लानिंग की है उसके अनुसार कृपया करके सब दर्शन का हम लोग सब उसी तरह जाएंगे। तो आज गंगा स्नान होगा, तो गंगा स्नान के लिए जिसको भी गंगा स्नान करना है अपने साथ, जो भी आपको लगता है साथ में लेके चलिए। माधुरी आस्क मी कि गंगा का अगर हमको स्नान करना है तो उसके लिए पहले क्या करना है। गंगे च यमुने चैव पहले ये मंत्र बोलना है, फिर गंगा को नमस्कार करना है, शिव जी को नमस्कार करना है, ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार करिए, वांछा कल्पतरु बोलिए। उसके बाद आप जब जल में जाते हैं तो सीधा जल में पैर नहीं रखा जाता, पैर लगाना यानी आपने क्या किया, पहले अपमान किया, अपमान नहीं करना है गंगा जी का। तो पहले पाँव अपने चरण रखने के पहले आपको गंगा जल हाथ में लेना है, और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और ओम गोविंदाय नमः बोल के छोड़ना है। गंगा जी को नमस्कार करके पहले माफ़ी मांगनी है, टू बेग फॉरगिवनेस, कि मैं अपने पैर, अपने चरण नहीं होते, अपने पैर होते हैं, है ना, तो अपने पैर मैं इस तरह रख रहा हूँ, पर आप माँ हैं, है ना, माँ बच्चा अगर लात भी मार दे माँ को, तो माँ उसको अपराध बोल के नहीं लेती। तो आप उस तरह से मुझे स्वीकार करें, और इस तरह से गंगा में स्नान करते हुए 3 डुबकी लगाइए, ठीक है, और जो जगह कहीं वहीं पर करिए, इधर उधर मत जाइए। हाँ, गंगा का करंट कभी कभी बहुत फास्ट हो जाता है कहीं पर, तो जिस घाट पर हम जाएंगे वहीं पे है करना है, और उसके बाद हम वापस आएंगे। हमारा प्लान है रात को 8 बजे तक हम यहाँ पहुँचेंगे, 8:30 के आसपास, फिर डिनर एंड देन वी टेक रेस्ट टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह हम फिर से मिलेंगे यहीं पर, हम 5:30 बजे से 7:30 जपा करेंगे, 7:30 से 8 मंगल आरती होगा, उसके बाद 8 बजे सबके लिए ब्रेकफास्ट,
देन वील हैव वंस अगेन अ सेशन, और कल काशी विश्वनाथ का दर्शन भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। पर इतना समय हम सबको लगने वाला है कि शाम को हम एक और सत्र नहीं रख पाएंगे, वन मोर लेक्चर। तो जो भी होगा सुबह होगा, तो सुबह इतना ही ब्रेकफास्ट कीजिए कि लेक्चर में आप जागते रहेंगे, ठीक है। और इतना विश्वास रखिए कि ब्रेकफास्ट अच्छा है तो लंच भी अच्छा होगा। ऐसा मत सोचिए अगर ब्रेकफास्ट इतना अच्छा था शायद लंच में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम लोग। और डिनर के लिए आप थोड़ा चलने का प्रयत्न कीजिए, बोट के ऊपर भी अगर बैठने का तो वहाँ पे भी चलिए। क्यों चलिए? क्योंकि डिनर में वी आर ट्राइंग टू कीप सम स्ट्रीट फूड। ये सब सबको समझता है, मुझे लगा मैं अकेला ही बिगड़ा हुआ ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ही समझता है सब कुछ, ठीक है, आप सबको भी समझता है ये बात। सो वी आर ट्राइंग टू कीप समथिंग लाइक दैट, सो ईट नाइसली, वी आर ट्राइंग टू कीप इट वेरी गुड क्वालिटी एंड हाइजीनिक यू नो स्टैंडर्ड्स। तो प्रसाद सब ग्रहण कीजिए, और विशेषकर व्हाट्सएप के ऊपर ध्यान रखिए, जो भी उस पर अपडेट्स आते हैं उसके अनुसार कृपया करके कार्य कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर बसेस का अगर टाइम बताया गया तो हम बसेस लेट आने वालों के लिए नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से लेके अयोध्या में हम लोग आपको जब लखनऊ ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट छोड़ेंगे तब तक के ये रूल कॉमन होगा। अभी यहाँ से प्लीज़ बाद में फ़ोन करके मत बोलिए कि मेरे लिए बस क्यों नहीं रोकी या एक बस आखिरी में रोकी। सारी बसेस एक साथ ही छूटेंगी। कल रात को जो स्टेशन से बसेस आई थी उनमें से पहली दो बसेस को रोका गया, धारा 144 अभी भी चल रहा है। मुख्तार अंसारी का जो डेथ हुआ है हॉस्पिटल में उसके चलते अभी भी दे वॉन्ट टू बी वेरी केयरफुल टिल नेक्स्ट फ्राइडे, दे वॉन्ट टू बी केयरफुल जब तक हम यहाँ पर हैं। तो सारी बसेस साथ में जाएंगी, आपको समय पर आना होगा। अगर आप नहीं आ पाए तो आप ऑटो लेकर या कुछ लेकर पहुंच गए तो बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृपया करके बसेस को हम रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास 9 बसेस चलानी है हमको आसपास। ये 9 बसेस एक एक करके नहीं आ सकती, वरना एक बस को रोका जाएगा। कल एक बस को रोक के उन्होंने बोला हमको कंप्यूटराइज लिस्ट चाहिए, कौन बैठा है इसके अंदर आपके अंदर, दैट मीन्स यू नो हु इज सिटिंग इन द बस। तो आपको बसेस के टाइम के अनुसार पहुंचना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी के कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस ऑन आपके व्हाट्सएप पे सब कुछ बता दें। बसेस एग्जैक्टली कहाँ होगा लोकेशन के साथ मैप के ऊपर आपके आएगा, वहां पे बसेस खड़ी होंगी जहां पे हम जाके बसेस बोर्ड करेंगे। अगर मैं आपको इंडिकेशन दूं, जहां पे रात को आपने आके बसेस रुकी थी मेन रोड पे जो ट्रेन से आए थे वहीं पे बसेस रुकेंगी, ठीक है। पर हम आपको लोकेशन व्हाट्सएप पे डालेंगे। और कुछ प्रश्न है किसी का? एक बार प्रसाद को बता दिया ना तो सब सेटल हो गया, अब कोई प्रश्न नहीं, अब किसी को कोई प्रश्न नहीं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।